नमस्ते। आज के हमारे इस ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज मैं बाहर खड़ी हूँ, तो मैं कहीं बाहर नहीं जा रही हूँ, हम लोग कहीं जा नहीं रहे हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगी अपना घर। तो ये कुछ इस तरह का बाहर का है ये। और सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये हमारा रेंट का घर है, ये रेंट पे हमने लिया है। और पूरा नहीं, जो नीचे का जो पोर्शन है, ग्राउंड फ्लोर जो है वो हम लोगों ने लिया हुआ है। तो ऊपर जो इस मकान, इस हवेली के जो मालिक है वो ऊपर रहते हैं। तो मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगी बाहर के एरिया से, क्योंकि यहाँ पे गार्डन है, बाहर का लुक भी बहुत प्यारा है। तो चलिए मैं सबसे पहले यहाँ से शुरू करती हूँ। मेन गेट से अंदर आने के बाद कुछ इस तरह के का आता है। ये इसका आंगन है। सबसे पहले मैं आपको बाहर का ही दिखाऊंगी, उसके बाद हम लोग अंदर एंट्री करेंगे। ये गार्डन है, ये भी पर्सनल गार्डन है। ये आपने अधिकतर मेरी वीडियो में देखा होगा। और इससे लगते हुए एक और गार्डन है। हम लोग घूमते घूमते आ गए हैं पीछे वाली साइड। ये पीछे का गेट है और वो जो गेट खुला है वहाँ किचन है। अंदर का, अंदर से भी मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन अभी हम लोग घूम के आए हैं तो मैं आपको दिखा रही हूँ पीछे से ये कुछ इस तरह दिखता है। और इसी के जस्ट पीछे है ये वाला गार्डन जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। ये देखिए, सच में यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है सुबह उठ के यहाँ पे घूमना, बारिश के मौसम में सब कुछ मतलब बहुत अच्छा है। और एक सबसे अच्छी चीज़ अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ के बारे में, तो वो ये है कि ये है हमारा रेंट का घर, लेकिन जो यहाँ के मकान मालिक है वो इतने अच्छे हैं कि हमें बिल्कुल भी ये फील नहीं होता कि ये सच में हमारा रेंट का घर है या ये हमारा घर है। क्योंकि बहुत से होते हैं ना कि आप यहाँ नहीं घूम सकते, आप ये नहीं कर सकते। तो अगर हम गार्डन में कहीं जाते हैं, अगर कहीं फूल लगा है, अमरूद वगैरह भी लगते हैं इधर, तो अगर उन लोगों को ना भी मिले और हम लोग सारे अगर तोड़ के खा लेना, तो कभी वो ये नहीं बोलती कि आपने ऐसा क्यों किया, आप वहाँ क्यों गए। और आपने हमारे वीडियो में देखा भी होगा, वो नारियल का पेड़ है, हम लोगों ने वहीं से नारियल तोड़े थे। तो ये मेरे लिए बहुत मतलब हम सभी के लिए बहुत अच्छी बात है कि हम लोग एक ऐसी जगह पर आए हैं जहाँ पर सिर्फ ये घर नहीं, यहाँ के लोग भी इतने ही सुंदर है जितना ये घर है। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। ये कपड़े सुखाने के लिए रस्सी है, यहाँ पे कपड़े सुखा रखे हैं मैंने। और ये सीढ़ियाँ है गार्डन में नीचे जाने के लिए। साथ में जो ये वाला जो दिख रहा है ये भी इन्हीं का है, उधर भी उन्होंने रेंट से दे रखा है। थोड़ा गार्डन टाइप है ये। और हम लोग जब घूम के आए, तो घूम के जब हम दोबारा जाएंगे तो फिर से वही मेन गेट आ जाएगा जहाँ से हम लोगों ने शुरू किया था। ये मेन सीढ़ी है ऊपर वालों के लिए, क्योंकि वो घर से होकर नहीं जाते हैं, अंदर जो है अपना पूरा सेपरेट है। तो उन लोगों ने बाहर ये लगवा रखा है और यहाँ से वो लोग ऊपर जाते हैं, यहीं से उनकी एंट्री है। और अपनी जो एंट्री है वो बाहर से है। अब मैं आपको एंट्री दिखाती हूँ और अंदर का घर दिखाती हूँ। तो ये है मेन गेट।
और मैं इसके अंदर से दिखाती हूँ। मतलब पहले मैं सपने में सोचा करती थी कि ऐसा बड़ा सा घर हो, मतलब रहने के लिए तो नहीं, लेकिन सोचती थी कभी मैं घूमने जाऊँ तो ऐसे घर को मैं अंदर से देखूँ, एक दो दिन यहाँ पर रह के देखूँ, इतना बड़े जब गेट हो मैं ऐसे खड़े होके फ़ोटो खिंचवाऊँ। तो मतलब सारी जो है मुझे मेरी जो उम्मीदें हैं जो मेरे पूरे हो रहे हैं। ये है एंट्रेंस और यहाँ पे हम लोगों ने कूलर लगा रखा है। कूलर हम लोगों ने इसलिए लगा के रखा है क्योंकि ये जो है ये हॉल है और इस हॉल में हम लोगों ने बाबू के लिए चेतू के लिए झूला लगा के रखा है। तो कभी गर्मी का मौसम होता है तो हम लोग कूलर चालू कर देते हैं, वो आराम से सो जाती है। सबसे पहले मैं गेट बंद कर देती हूँ क्योंकि यहाँ पे गार्डन की वजह से बहुत सारे बंदर आते हैं तो वो अंदर आ सकते हैं। पर वो लोग रहते हैं, मकान मालिक रहते हैं। ये हमारा बेड है जो हम लोगों ने हॉल में लगा रखा है। यहाँ पर मैंने एक टेबल लगा रखी है जिसमें मैंने अपना लैपटॉप और जिससे मैं वीडियो बनाती हूँ वो सारी चीज़ें, और ख़ास करके बाबू के खिलौने मैंने रख रखे हैं वहाँ पर, क्योंकि यहाँ से उठा के मैं उसको दे देती हूँ तुरंत और वापस यहीं रख देती हूँ। और अब बारी आती है मंदिर की। मंदिर लकड़ी का मंदिर है ये, और मैंने इसको यहीं पर सेट करा हुआ है क्योंकि ये पूरा अच्छे से ऐसे बना हुआ है। तो मैंने इसको कहीं पर भी हैंग करने से अच्छा मुझे लगा कि मैं यहाँ पर अभी इसको सेट कर देती हूँ, लेकिन ये तब तक के लिए ही ठीक रहेगा, तब तक के लिए चैतन्या चलने नहीं लग जाती क्योंकि वो जैसे ही चलने लगेगी सारा सामान पकड़ पकड़ के खींचेगी। और अब हॉल में ही है हमारे पास फिश टैंक, ये दो प्यारी प्यारी सी इसमें मछलियाँ हैं। उन्होंने ये गेट से एंट्री किया था, ये एंट्रेंस है और इसके जस्ट सामने सेम ही ऐसा गेट बना हुआ है। यहाँ पर भी मैंने रस्सी लगा रखी कपड़े सुखाने के लिए। और जैसे ही हम लोगों ने गेट खोला, हम लोग पीछे वाले पोर्शन में आ चुके हैं जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाया था। और ये गेट खोलो सीधा गार्डन सामने आता है, राइट साइड में जाओ गार्डन सामने आता है, सभी दूर हरियाली हरियाली है। यहाँ पर एक दीवान रखी हुई है जिस पर मैंने अभी भगवान जी के कपड़े सुखा रखे हैं धोकर। और अब मैं जाऊंगी बेडरूम में, अब मैं आपको वो दिखाती हूँ। राइट साइड में बेडरूम है, चैतन्या दिबुड़ी इशिता वो भी खेल रहे हैं, सारे बच्चे खेल रहे हैं बाबू। ये है बेडरूम और इसको भी मैं आपको दिखा देती हूँ अच्छे से। यहाँ जो खिड़कियाँ है भी बहुत प्यारी है क्योंकि ये पत्थर की बनी हुई है, इसमें मच्छर के लिए जाली लगी हुई है, उसके बाद एक और जाली लगी हुई है, तीन तीन जालियों से उसको प्रोटेक्ट किया हुआ है, तो ये भी काफ़ी सही है। और ये हमारा कर्टेन और ये अलमीरा है, इधर लेट बाथ है और यहाँ से हम लोग बाहर निकलते हैं। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ गेस्ट रूम, वो जो सामने वाला है वो गेस्ट रूम है। चलिए मैं आपको, अभी फ़िलहाल हम लोगों के यहाँ गेस्ट आए हुए हैं तो उनका सामान थोड़ा सा सेट हो रखा है इधर। ये देखिए ये बेड और ये थोड़ा सा उन्होंने सेट करके रखा है। ये अलमीरा और ये लेट बात, तो ये कुछ इस तरह का दिखता है गेस्ट रूम।
अब मैं आपको दिखाती हूँ किचन। किचन तो आप लोगों ने हमेशा देखा होगा, क्योंकि मैं अधिकतर लेडीज़ों का तो यही काम होता है, उनका आधा दिन किचन में ही निकलता है। लेकिन फिर भी अगर मैं आपको आज अपना पूरा घर दिखा रही हूँ आज के ब्लॉग में, तो मैं आपको किचन भी दिखाऊंगी। तो ये है हमारा किचन। अंदर एंट्री होते ही मैंने इधर फ्रिज लगाया हुआ है, और ये छोटी सी रेक है जिसमें मैंने सामान रखा हुआ है। मैंने सामान कुछ इसी तरीके से भी रखा हुआ है, क्योंकि किचन जो है ये अभी नीचे से बना हुआ नहीं है, तो मैंने जैसा भी मुझे अच्छा लगा, जितना भी मुझे टाइम मिलता है, जितना भी मेरा दिमाग चलता है, मैंने उस हिसाब से अपनी किचन को थोड़ा सेट करके रखा हुआ है। इस कोने में मैंने माइक्रोवेव रखा हुआ है, जिसके ऊपर मैंने चाय की पत्ती और चीनी, घी, इस तरह की जो रोज़ में चीज़ यूज़ में लेती हूँ वो मैंने रखी हुई है इधर, ताकि मैं मुझे जल्दी से मिल जाए, मुझे ढूंढना ना पड़े इधर उधर। और यहाँ पे मैं बनाती हूँ खाना। ये हमारा मटका जिसे हम पानी पीते हैं। और एक और चीज़, जैसे ही हम लोग गेट खोलते हैं किचन का, तो किचन का गेट खोलते ही फिर से गार्डन। तो ये काफ़ी चीज़ अच्छी है, चारों तरफ हरियाली है, जो हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है, क्योंकि पेड़ तो हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, सभी चीज़ के लिए अच्छे होते हैं। पेड़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे आसपास। और चैतन्य के पापा को तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ें हैं कि नहीं, हम लोग जहाँ रहें वहाँ पर पेड़ पौधे होना चाहिए, उनको भी पसंद है। हम लोग जहाँ पहले रहते थे वहाँ पर पेड़ पौधे नहीं थे, तो हम लोगों ने लाकर पौधे, गमले लाके, और हम लोगों ने बहुत अच्छे से उसको गार्डन टाइप बना रखा था। और गाँव में भी हम लोगों ने किया हुआ है, छत पर हम लोगों ने बनाया हुआ है, ऐसा गार्डन सा बनाया हुआ है, छप्पर सा बनाया हुआ है। वो मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई, लेकिन हाँ, मैं राखी पे जा रही हूँ, तो मैं आपके साथ अपने गांव का घर ज़रूर शेयर करूँगी, मतलब आपको दिखाऊंगी कि गांव में हमारा किस तरह का घर है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा घर कैसा लगा।